उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक पुलिस वाले का थाने में जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि पुलिस थाने में जन्मदिन मनाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया और वायरल वीडियो में ये भी नजर आया कि पुलिसकर्मी इकट्ठा होकर थाने में जन्मदिन का जश्न मनाते नजर आए। जिस वक्त केक काटा गया, थाने में 15 से ज्यादा जवान एक जगह पर इकट्ठा थे। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से जरूरी दूरी जो बनाए रखनी होती है उस नियम का पालन नहीं किया। इस घटना के बाद इलाके के एसपी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, दरअसल एक पुलिस वाले का यहाँ पर जन्मदिन और इस बीच थाने के अंदर 15 से ज्यादा जो जवान हैं वो वहाँ मौजूद थे और कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल इन पुलिस वालों ने नहीं रखा है। हालांकि ये बड़ी लापरवाही के बाद अब कार्रवाई की बात भी कही गई है कि अब ये लापरवाही कैसे हुई, इन सब पर नजर रखकर आगे जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बदायूं की ये तस्वीर जो एक बड़ी लापरवाही पुलिस वालों की दिखा रहा है। दरअसल एक पुलिस वाले का यहाँ जन्मदिन था, केक काटने के मौके पर यहाँ पर 15 से ज़्यादा जो पुलिस वाले थे वो एक थाने पर मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क लगा नजर आया। और इसी बीच एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक थाना प्रभारी शहीद हो गए। साथ ही इस मुठभेड़ में जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया जिसमें 2 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल थे। मारे गए नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। आदित्य हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या जानकारी? जी, ये मुठभेड़ कल देर रात हुई। कल नक्सलियों के मानपुर इलाके में मौजूद होने की सूचना जो है वो पुलिस के स्पेशल टीम को मिली थी, जिसके बाद मदनवाड़ा थाने से एक स्पेशल टीम इस इलाके में सर्चिंग पर निकली थी। और कल रात 11:30 बजे के आसपास अचानक नक्सलियों से इस पुलिस टीम की मुठभेड़ होगी। घात लगाकर नक्सलियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिस हमले में श्याम किशोर शर्मा जो SI है, जो मदनवाड़ा थाने के प्रभारी है, वो शहीद हो गए हैं। और इस मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है, उनसे बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए गए। हथियारों में AK-47 SLR और 2 .315 बोर की बंदूकें जो है वो शामिल है। तो ये जो है कि ये हथियार जो होते हैं ये बड़े नक्सलियों की सुरक्षा करने वाली टीम के पास होते हैं या CC मेंबर्स के पास होते हैं, नक्सलियों के जो सबसे बड़े लीडर्स होते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि जो नक्सलियों के बड़े लीडर्स है वो इस इलाके में मूवमेंट कर रहे थे। और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने घात लगाकर पुलिस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि करीबन 40 से 50 की संख्या में नक्सली मौजूद थे, लेकिन इस मुठभेड़ के बाद जंगलों के आग लेकर रात के अंधेरे में वो जंगलों में भाग खड़े हुए। अभी 4 नक्सलियों के शव जो है वो पुलिस ने बरामद किए गए और इलाके की सर्चिंग की जा रही है। पर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि राजनांदगांव के मदनवाड़ा के पास परधौनी गांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान मदनवाड़ा के थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा जी की शहादत का समाचार दुखद है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं, ईश्वर उनके परिवारजनों को हौसला दे। मध्य प्रदेश के मंडला में लोगों को जागरूक करने के लिए एक जादूगर भी सामने आया। कोरोना वायरस से बचने के लिए इस जादूगर ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की और कई करतब दिखाते हुए लोगों को कोरोना के खतरे के बारे में भी बताया। इस जादूगर ने कोरोना से बचने के लिए कागज के एक टुकड़े से मास्क बना दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भी तालियां बजाकर जादूगर का हौसला बढ़ाया। अब मेरे पास में मास्क भी है, मैं भी पहले मास्क लगा लूं क्योंकि मास्क लगाना जरूरी है। लोगों को जागरूक करने पहुंचे इस जादूगर ने कभी कपड़े के एक टुकड़े से डंडा बना दिया तो कभी डंडे को फूलों में बदल दिया। इस जादूगर ने अपने तरीके से लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। जादू देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जिनमें काफी संख्या में बच्चे भी शामिल दिखे। लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े नजर आए। हम अपने आप को आइसोलेट करने के बाद सफल हो जाएंगे और ये जो वायरस रूपी है वो किस प्रकार से गायब होगा वो ऐसे गायब हो जाएगा। इस जादूगर ने अलग अलग इलाकों में घूमकर न सिर्फ लोगों को जागरूक किया बल्कि लॉकडाउन में घरों में रह रहे लोगों का मनोरंजन भी किया।